हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज 25 सितंबर सोमवार का दिन है। ऐसे में कैसा रहने वाला है आज का दिन? मित्रों, आपके लिए आज के दिन कौन से क्षेत्रों में कार्य करने से ज़्यादा सफलता, आपके मान सम्मान या स्कृति में बढ़ोतरी हो सकती है? कार्य क्षेत्र में किस प्रकार से परिवर्तन हो सकते हैं? धन लाभ की स्थितियाँ कैसी रहेंगी? व्यापार व्यवसाय बिजनेस लव लाइफ आपका कैसा रहेगा? आज आपको कौन से क्षेत्रों में कार्य करने से ज़्यादा सफलता, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और किस प्रकार से जीवन में चल रही परेशानियों से आप आज छुटकारा पाने वाले हैं? आपके घर के परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद किस प्रकार से प्राप्त होगा आपको बताएंगे। आज आपको लकी कलर लकी नंबर कौन सा रहेगा? मित्रों, आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, आपके लिए आज का दिन बहुत ही शुभ रहने वाला है, बहुत ही उत्तम रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में काफ़ी बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होने वाली है। परंतु कानूनी मामलों में आपको बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत होगी। कानूनी मामलों में आपको सतर्क रहना होगा। आज आप खुद को विपरीत स्थितियों में पा सकते हैं। आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी होगा। रियल इस्टेट डीलिंग आपके लिए आज फायदेमंद साबित होगी। रियल इस्टेट में अगर आप डीलिंग करते हैं तो उसके लिए आपका दिन काफ़ी शुभ रहने वाला है। यदि आप इस पर सावधानी पूर्वक नज़र रखेंगे तो साझेदारी में आपको अधिक से अधिक तरक्की मिलेगी और अलग अलग तरीकों से आप लाभ कमाने वाले हैं। धार्मिक गतिविधियों पर आपके खर्च संभव होंगे जो आपको मानसिक सुख और शांति की प्राप्ति करवाने वाला है। कार्य क्षेत्र में भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें क्योंकि शिथिलता आपके लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत रहेगी। आज के दिन पारिवारिक विवाद से बचें। पारिवारिक स्थितियों में आपको सुधार करने का मौका है। बच्चों के साथ अधिक से अधिक समय बिताने की अवश्य कोशिश करें। आज कार्यक्षेत्र को लेकर आप किसी नए परिवर्तन में योगदान दे सकते हैं। जिन लोगों को इस समय काफ़ी पैसों से जुड़ी आर्थिक तंगियां हैं उन लोगों से छुटकारा प्राप्त होगा, उन लोगों को धन की प्राप्ति होगी। आज आप अपने भविष्य और स्वभाव के बारे में अधिक जिज्ञासु रहेंगे। उचित लोगों के साथ परामर्श करोगे, उचित लोगों के साथ आपके संबंध काफ़ी उचित होंगे। इसी के साथ प्रचुर आर्थिक लाभ की संभावना है। आज आपके शुभ चिंतक आपके भविष्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा संभवतः आपका सहयोग करेंगे। भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज का दिन उठाए गए सभी कदम आपके लिए सकारात्मक रहेंगे। प्रचुर आर्थिक लाभ की संभावना है। आपको अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति होने वाली है। निवेश की दृष्टि से भी आपका दिन शुभ है। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, ज़मीन की खरीद करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी आपका समय काफ़ी अच्छा है। अगर आप शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए भी आज का समय आज काफ़ी अच्छा है। परंतु आप सोच समझ कर किसी भी निर्णय को लेने की कोशिश करें। आपको आज के दिन सामाजिक स्थितियों को बढ़ावा मिलेगा और अनुकूल समय की प्राप्ति होगी। सामाजिक स्थितियाँ मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होंगी। पारिवारिक स्थितियों में सुधार होगा क्योंकि आपको एक जो है आपको आने वाले समय में एक लंबा लाभ मिलने वाला है। जो लोग अविवाहित हैं अविवाहितों के विवाह का प्रस्ताव प्राप्त होगा और सुंदर और योग्य दुल्हे और दुल्हन। अगर आप लड़कियां हैं तो आपको दुल्हे की और अगर आप लड़के हैं तो आपको दुल्हन की। आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी और जो लाइफ पार्टनर आप काफ़ी लंबे समय से तलाश कर रहे थे वह आज आपको किसी न किसी विषय से मिलने वाला है। आज समझदारी से काम करें। समझदारी से काम किया गया आपको सफलता दिलवाएगा। अगर आप किसी प्रकार की लापरवाही करोगे तो आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। शांत व्यवहार रखें और अच्छी भावना के साथ व्यवहार को संभाले रखें। व्यवहार में पॉजिटिव रिस्पॉन्स लाने की अवश्य कोशिश करें। इस समय आप अपनी कार्यशैली में नया प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट को करने का विचार कर रहे हैं तो उन पर आज विचार कर सकते हैं, जोर दे सकते हैं। आपके कार्यों को प्रशंसा मिलेगी। आपके सभी काम सफल होंगे, आपके सभी काम सफल रहेंगे और कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा। कुछ आपके ऐसे खर्चे हैं जो कि बेफिजूल में हो सकते हैं, इसलिए आपको खर्चों को लेकर थोड़ा सा संयमित रखना होगा। आज आप धर्म या समाज से जुड़ा कोई कार्य कर सकते हैं। धार्मिक कार्य करना आपके लिए काफ़ी उचित रहेगा। आज के मध्य भाग में आपको कहीं बड़ी यात्रा करने पर भी जा सकते हैं। लंबी दूरी की यात्राओं को करना आज थोड़ा सा अच्छा रहेगा और आपको लाभ ही देगा।
घर परिवार और परिवार वालों का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। स्त्री वर्ग से आपको आज पूर्ण सहयोग की प्राप्ति होगी। मित्रों, भगवान श्रीहरि विष्णु जी की कृपा के साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त होंगी, जिससे कि आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी। आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन होने वाला है। आपको बाहरी खानों, जंक फूड और ऑयली चिपचिपे खाने से आपको बचने का प्रयास जरूर करना चाहिए। आप बेफिजूल की बातों में बिल्कुल भी ना पड़े। आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपना पूर्ण समर्थन देने का प्रयास करना होगा। मित्रों, आपके लिए आज का दिन उन कार्यों को करने के लिए सर्वोत्तम रहेगा जो काम काफ़ी लंबे समय से अटके हुए थे। अटके हुए कार्य भी आज जरूर पूरे होंगे, जिनमें आपको शाबाशी मिलेगी और आप काफ़ी प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं। भाग्य का साथ होने से आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। भाग्य का सहयोग आपको दिन भर मिलता रहेगा। आप जटिल से जबरदस्त समस्याओं का समाधान भी पा पाने में आप सफल रहेंगे। मित्रों, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आज चंद्रमा का संचार मध्यरात्रि के बाद आप लोगों की राशि में यानी कि होने वाला है। आज आपका दिन आनंद प्रमोद में बीतेगा। नए वस्त्रों की खरीदारी का योग भी बना रहेगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। वहीं मनोरंजन एवं आनंददायक दिन बना रहेगा। आपका समय काफ़ी उचित है। धन के मामलों में भी आज आपको काफ़ी लाभ होने की उम्मीद है। निवेश करने के लिए आपका समय काफ़ी उचित रहेगा। आज आपका धन जरूरी वस्तुओं पर ही खर्च होगा। जरूरी वस्तु पर खर्च करना आपके लिए उचित रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर अगर आप काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके जीवन में या परिवार में हो रही हैं, तो उन स्वास्थ्य में सुधार होने वाला है। उनमें आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति करोगे। मित्रों और रिश्तेदारों से आपको कोई शुभ समाचार मिलने की उम्मीद है, तो मित्रों के साथ संबंध काफ़ी अच्छे होंगे। संपर्क में रहिए, आपको कोई ना कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। कहीं से कोई रुका हुआ कार्य आगे बढ़ने की सूचना आपको इस वक्त मिल सकती है, जिससे कि आपका भाग्योदय होने वाला है। भाग्य का आपका उदय होगा। परिवार के लोगों में आपसे सामंजस्य बनाकर चलना आपके लिए जरूरी होगा। परिवार को ढाल के रूप में चलाएं। आज जो लोग किसी मुसीबत में हैं या कोई जमीन जगह को लेकर टेंशन चल रहा है, लफड़ा है, तो उनमें भी आप आज काफ़ी सुधार देखोगे और आपके जो रिश्तेदार हैं वो आपकी सहायता करेंगे। आज आप घर से निकलने से पहले बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर, आपके घर में जो भी देवी देवता को आपने स्थापित करके रखा है उनकी प्रतिमा को देखते हुए उनके सामने मन की इच्छाओं को बोलें। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी और सभी कार्य आपके सफल होंगे। मित्रों, आज के दिन साहित्य और कला में आपकी रुचि बढ़ेगी। मन में कल्पनाएं की तरंगे उठेगी। मन आपका शिथिल बना रहेगा। बौद्धिक चर्चाओं में भागीदारी अवश्य लें। कारण पूर्ण होंगे। मनोरंजक कार्यों पर भी आपका खर्च आज होगा। कारोबार बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। आज आपका लकी कलर काफ़ी ज़्यादा ब्लू रहने वाला है और लकी नंबर आपका 2 रहने वाला है। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय माँ विंध्यवासिनी।